बाबा का बच्चा बनना, भगवान का बच्चा बनना, ये ईश्वरी परिवार को अपना समझना और संपूर्णता की ओर बढ़ना, पवित्रता, नेचुरल ज्ञान योग। बाबा कहते मुरली मीठी लगनी चाहिए, योग में मेहनत नहीं होनी चाहिए। क्यों मेहनत है योग में? जरूर श्रीमद में कहीं ना कहीं मिक्स होगा। अगर योग में बुद्धि उड़ गई, खींच नहीं गया बाबा, मान लो हम लोग लौकिक में भी 5-5:30 बजते ही जैसे नशेड़ी को, जैसे शराबी को शराब भी ठेके अपने आप, माना जब तक 2.5 घंटे शाम को बैठ के योग ने किया, माना तड़प होती थी, खींच होते, जैसे कोई खींचे जा रहा, प्राण जैसे खींच रहे, माना कदम अपने आप। लाइट नहीं होती थी, हम गांव से थे, लाइट नहीं होती थी, मच्छर होते थे, लेकिन 2-2.5 घंटे जब तक वो योग में नहीं बैठे तृप्ति नहीं होती थी। तो क्या मैं ये देखूं, मैं ब्राह्मण, क्या मैं इतना हल्का हूं कि मैं बाबा, मुझे बाबा का कमरा योग खींचता है? क्या मुरली मुझे इतनी मीठी लगती है, या मैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चे का इंतजार करता हूँ कब मीठे मीठे बैठा हूँ, होता ना कब ये मीठे मीठे सिकिलते बच्चे कब आएगा? आप देखना, अगर मुरली मुझे तृप्त भरपूर नहीं कर रही है, योग में मेरे को खींच नहीं हो रही है, तो फिर से 7 दिन का कोर्स कर लेना चाहिए, है ना? तो ये देखना चाहिए कि कहाँ मिक्स हो रहा है, कुछ गड़बड़ है ना? तो ट्रस्टी बनेंगे, सब कुछ तेरा। अब देखिए मधुबन में हमें योग सहज क्यों है? मैं अगर जिस डिपार्टमेंट में हूँ, हमने ये शरीर भी बिगाड़ दिया, अकेले थे, मैगजीन होती थी, हम 10 रातों में 4 रातें फुल जागना पड़ता था, क्योंकि अकेले बनाना होता था, सब काम अकेले करना होता था, तो हर 10 दिन में मैगजीन बननी होती थी 16 पेज, तो 10 दिन में कंप्लीट करना है तो 4 रातें फुल जागते थे। मैं कई बार 36-36 घंटे शाम को 5 बजे बैठा हूँ और दूसरे दिन रात को उठा हूँ, शाम को 5 बजे बैठे कंप्यूटर के आगे, बस नीचे बाथरूम है, चाय पी ली, बिस्किट नमकीन खा लिया, बस। ऐसी ऐसी सेवाएं बाबा ने कराई है, ये भाग्य है हमारा। लेकिन सब कुछ करते हुए, जिम्मेवारी से 24 घंटे वहां रहते हुए, एक सीडी भी मेरी नहीं। मैं कहूंगा मेरा ऑफिस है, मैं कह सकता हूँ मधुबन में, नहीं कह सकता, मैं कहूंगा मेरा कमरा है। तो क्यों मधुबन में हम सहज योगी हैं? क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, है ना? तो जब तक हम ट्रस्टी नहीं बने हैं, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। कोशिश कर लो, जब तक ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, मेरापन जब तक है, बृहस्पति की दशा नहीं, जब तक सब कुछ तेरा नहीं किया दिल से, कोई लिया नहीं आपका अकाउंट, हम प्रॉपर्टी चिंता मत कर, पता चले सब कुछ तेरा तो पता चले देना पड़ जाए, ऐसा नहीं है ना? तो बुद्धि से, है ना, जब तक अर्पण नहीं किया है, है ना, तो बुद्धि से सब कुछ बाबा तेरा। भाई साहब रामनाथ भाई हमेशा कहते हैं, जिसको भी देखते हो, घर में बच्चे को देखते हो, पत्नी को, ये मेरा, मेरी पत्नी मेरा बच्चा नहीं, ये आत्मा है बाबा, आपका बच्चा है, आत्मा आपका बच्चा। प्रकाश भाई नाम दे रहे थे किसी बहन का, देखिए अगर माता भी, अगर आपको ही अपना पूज्य स्वरूप स्पष्ट नहीं है दिन भर, आपको ही ये याद नहीं कि मैं दुर्गा हूं, आपको ही अपना रियल स्वरूप क्लियर नहीं है, तो आपके पति को कैसे दिखेगा? आपको ही नहीं दिख रहा है आपका पूज्य स्वरूप, दिखता है दिन भर काम करते हुए, मैं दुर्गा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, नेचुरल हमें दिखता है, मैं दुर्गा हूँ मेरे लिए तो बहुत नेचुरल है। तो अगर मैं माता, मुझे ही मेरा पूज्य स्वरूप, मैं दुर्गा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मुझे ही वो बुद्धि में मेरे क्लियर नहीं है, तो
तो मैं कहूंगी ये पति मेरी नहीं बात मानता, ये बच्चा मेरे, तो कैसे उसको कहां से दिखेगा, दिखेगा उसको है ना? आपको ही लगता है ये मेरा पति है अभी भी। वो कहते ना वो बोले बाबा मेरे पति को, भाई जी बता मेरे पति को ये ठीक कर देना, उसको ज्ञान दे ले। बोले जब तक आप मेरा पति करे मेरे तो तू ही ठीक कर दे। नहीं बाबा, आप मेरा पति है तो फिर आपकी जिम्मेवारी है, फिर तो मेरा बच्चा है बाबा, मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक कर देना, तेरा किया ही नहीं है मान लो। हाँ तो मेरा जब तक है तब तक, बाबा ने कहा था ना राहु की दशा है अभी की मुरली में है। तो एक ट्रस्टी बनकर ही हम घर परिवार में रहते हुए है ना हम अच्छे योगी बन सकते।